हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमसे मैथ्स में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि जैसे अंडर रूट वाले होते हैं नंबर, उन्हें बोलते हैं पाई हो गया। ये सारे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और रियल नंबर, वे सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकें उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, और जो रियल नंबर होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं यस। अभी आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन में कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ओके, मतलब कि नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट जो कि अंडर रूट एम के फॉर्म का हो, जहाँ पे एम एक हमारा नेचुरल नंबर हो, लेकिन हम जो नंबर लाइन पे शो करते हैं वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। बट जहाँ यहाँ पे तो हमारा एम गिवन है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1, 2, 3 मतलब पॉजिटिव नंबर्स। बट नंबर लाइन पे हम नेगेटिव नंबर को भी शो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट रॉन्ग। तो हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकें, ठीक है, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। सो अगर हम कोई भी नंबर लेते, लाइक 5 लेते हैं, 5 एक हमारा रियल नंबर है, ठीक है, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी रॉन्ग। तो हम ले देंगे फॉल्स, क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। हम 2 ले लें, 2 एक रियल नंबर है, वो तो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो ना ही तो नॉन रिपीटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। That's why we can say that yes, for every real number is not an irrational number. Okay. Second question is, are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो इस question को हम देखते हैं example से. Like हमने लिया for example. एग्जाम्पल हमने लिया अंडर रूट 4, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिया हमने यहाँ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि क्या सारे स्क्वायर रूट मतलब पॉजिटिव नंबर का अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो क्या वो सारे इरेशनल होते हैं। तो इस केस में हमने अंडर रूट 4 लिया तो ये हमारा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो 2 तब हमारा इरेशनल नंबर नहीं रहा, ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, बिकॉज ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और हमारा q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। इसी तरह हम अगर ले लेते हैं 9, तो वो 3 हो जाएगी, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। सो ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। तो इस एक्सरसाइज के हमने सारे ट्रू फॉल्स तो कर लिए हैं, बट एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 अभी बचा हुआ है, जिसमें हमको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत टफ भी लगता है और थोड़ा लेंदी प्रोसेस भी है इसका, तो मैं इसको अपने नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। एट द एंड आई वुड लाइक टू से, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक
थैंक यू। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट 2, जहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करते हैं। थैंक यू।